हेलो बच्चों, हम लोगों ने पिछले क्लास में नंबर ऑफ फैक्टर्स के बारे में पढ़ा था, नहीं? यानी कि किसी भी कंपोजिट नंबर के कितने फैक्टर्स होंगे, साथ ही साथ ये भी देखा था कितने इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स होंगे, कितने ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स होंगे। साथ ही साथ ये भी देखे थे कि अगर कोई भी कंपोजिट नंबर है उसके जितने भी फैक्टर्स हैं उन सारे फैक्टर्स का सम कितना होगा, ये भी देखा था हम लोगों ने। उसी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के टॉपिक को हम लोग अब आगे बढ़ा रहे हैं। हम लोग ये देखेंगे आज की सीबीएसई के एग्जाम में, यानी एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से किस किस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं इस फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक से रिलेटेड। तो चलिए हम लोग बातचीत को आगे बढ़ा रहे हैं, अपने टॉपिक को आगे लेके चल रहे हैं, सिलसिला शुरू हो रहा है आज। ओके, तो पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि चेक वेदर something to the power a can end with zero or not where n belongs to natural number। अभी सबसे पहले टाइप का क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि ये बताइए कि कोई भी something बोले तो यहाँ पे something का मतलब हम ले रहे हैं कंपोजिट नंबर। समथिंग का मतलब क्या ले रहा है? कंपोजिट नंबर। और ये जो n है वो n किससे बिलोंग कर रहा है? आपके नेचुरल नंबर से। नेचुरल नंबर तो आप समझ ही रहे होंगे, ऑल काउंटिंग नंबर 1 2 3 4 5 6। ओके, तो अगर कोई भी कंपोजिट नंबर है अगर उसका पावर कितना है, n है, तो क्या वो जीरो के साथ एंड करेगा कि नहीं करेगा? जैसे एग्जाम्पल के लिए क्वेश्चन ले लेते हैं, कैन 6 to the power n एंड विथ जीरो और नॉट फॉर n belongs to n, ये बताना है हमको। तो सबसे पहले ये जरा समझिए कि अगर बात हो रही है जीरो की, यानी एंड विथ जीरो कहने का मतलब कि उसका यूनिट डिजिट क्या है? आपका जीरो है। अगर यूनिट डिजिट जीरो है तो बेशक वो नंबर 10 से डिविजिबल होगी, साथ ही साथ उसमें 10 एज ए फैक्टर होगा। तो 10 एज ए फैक्टर होगा तो अगर उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो वहां पर 2 and 5 दोनों का होना मस्ट है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग किसी भी कंपोजिट नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद अगर उसमें 2 and 5 दोनों प्रेजेंट हैं प्राइम फैक्टराइजेशन में, तभी वो नंबर आपका एंड विथ जीरो होगा, अदरवाइज एंड विथ जीरो नहीं होगा। केवल 2 या फिर केवल 5 के होने से कोई भी नंबर आपका एंड विथ जीरो नहीं करेगा। ओके, तो बनाएंगे कैसे, क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे एग्जाम में, ये देखिए आप। एक क्वेश्चन बनाऊंगा, बाकी सारे क्वेश्चन तो आप समझ ही जाएंगे, बस इस स्टेटमेंट को फॉलो करना है आपको। ओके, जैसे यहां पे हम लिखेंगे 6 to the power n। 6 to the power n कहने का मतलब है 2 multiply 3 का power n। जो भी कोई कंपोजिट नंबर दिया रहे उसका सबसे पहले अगर संभव है तो प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लीजिए। प्राइम फैक्टराइजेशन में ये देखिए कि क्या 2 and 5 दोनों है। 2 and 5 अगर दोनों है तो वो नंबर एंड विद जीरो होगा, अदरवाइज अगर इनमें से कोई एक है या कोई भी नहीं है तो किसी भी हालत में ये नंबर आपका जीरो के साथ एंड नहीं करेगा। तो 2 multiply 3 का power n कर लिए। इस बातचीत को आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2 to the power n और 3 to the power n। अब लिखेंगे स्टेटमेंट क्या देंगे, हियर इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 देयर इज ओनली 2। ओनली 2 नहीं लिखेंगे, देयर इज 2 एंड 3 ओनली। दैट इज देयर इज लैक ऑफ 5। 5 का क्या है? अभाव है। यहां पे 5 तो है ही नहीं, क्यों भाई? ड्यू टू यूनिकनेस ऑफ FTO, क्योंकि FTO कहती है कि किसी भी कंपोजिट नंबर का जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा वो अपने आप में क्या होगा, यूनिक होगा। अगर यूनिक है तो यानी इस कहने का मतलब केवल और केवल 2 और 3 ही है, यानी कहने का मतलब ये हो कि 5 है ही नहीं, और 2 और 5 दोनों का होना मस्ट है। इसीलिए ये नंबर 6 to the power n Never end with zero. ओके, मान लीजिए एक और सवाल आ जाए, मान लीजिए आपसे पूछ लिया जाए 21 का पावर n, ऐसे पूछ लीजिए, बताइए क्या ये नंबर एंड विथ जीरो होगा कि नहीं होगा।
सेम लाइक उसी तरह यहाँ पे करेंगे 21 का पावर एन लिखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, इसको 21 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे 3 मल्टीप्लाई 7 टू द पावर क्या होगा एन, इस चीज को थोड़ा सा ब्रेक कर लेंगे 3 टू द पावर एन और 7 टू द पावर एन, नहीं लिखेंगे क्या हियर इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 21, अब यहाँ पे क्या कर देंगे 21 देयर इट इज 3 and 7, देयर इज 3 and 7 ओनली, दैट इज देयर इज लैक ऑफ, अब यहाँ पे 2 का भी अभाव है और 5 का भी अभाव, यानी 2 भी नहीं है और 5 भी नहीं है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे ड्यू टू लैक ऑफ 2 and 5, ड्यू टू लैक ऑफ 2 and 5, ड्यू टू यूनिकनेस ऑफ FTOS, सो 21 यहाँ पे लिख देंगे 21 का पावर ए नेवर एंड विथ 0, कभी भी नेवर एंड्स विथ 0, ओके नेवर एंड्स विथ 0, कभी भी ये 0 के साथ अंत नहीं करेगा, यानी इसकी यूनिट डिजिट कभी भी 0 नहीं होगी। मान लीजिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, हम क्वेश्चन ले लेते हैं 15 टू द पावर एन, तो 15 टू द पावर एन तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या होगा 3 मल्टीप्लाई 5, यानी इस बातचीत को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 5 टू द पावर एन मल्टीप्लाई 3 टू द पावर एन, या फिर चाहिए तो चाहे तो आप इसको अरेंज कर लीजिए 3 टू द पावर एन मल्टीप्लाई 5 टू द पावर एन लिख लिए। अब यहाँ पे स्टेटमेंट को ध्यान दीजिए, लिखेंगे हियर इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 15, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 15 देयर इज 3 and 5 only, दैट इज देयर इज लैक ऑफ 5, देयर इज लैक ऑफ 5 ड्यू टू यूनिकनेस ऑफ FTOA, सो 21 नहीं है यहाँ पे, तो अब आ गया आपका 15 टू द पावर एन नेवर एंड विथ 0, ठीक है ओके। मान लीजिए एक और क्वेश्चन पूछ दिया आपसे कि 4 टू द पावर एन नेवर कैन एंड विथ 0 और नॉट, तो देख लें 4 का क्या करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन किया, अब यहाँ पे ये हो गया 2 टू द पावर 2n, क्योंकि 2 का पावर 2 होगा और पावर एन है तो 2 का पावर 2n हो जाएगा ना 2 का पावर 2n। अब यहाँ लिखेंगे हियर इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 4, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 4 देयर इज 2 ओनली, दैट इज देयर इज लैक ऑफ 5 ड्यू टू यूनिकनेस ऑफ FTOA, सो 4 टू द पावर n नेवर एंड्स विथ 0। आई होप कि इस तरह के क्वेश्चन आप कर लेंगे एग्जाम में ओके। अब दूसरे तरह के क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं हम लोग ओके। उम्मीद करते हैं कि आपको ये बात समझ में आई होगी ठीक है। चलिए नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पे चल रहे हैं हम लोग। नेक्स्ट टाइप ये पूछा जा सकता है आपके आपसे कि चेक वेदर समथिंग इज कंपोजिट नंबर और नॉट, या नॉट की जगह पे आपको और प्राइम नंबर भी लिखा जा सकता है और प्राइम नंबर, यानी आपको ये बताना है कि अगर कोई भी चीज समथिंग दी हुई है तो ये समथिंग के बारे में ये बताना है कि वो कंपोजिट नंबर है कि प्राइम नंबर है नहीं। अब देखिए यहाँ पे कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर मैंने आपको बताया है कि कंपोजिट नंबर किसको कहते हैं और प्राइम नंबर किसको कहते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ फैक्टर की अगर बात करी जाए तो प्राइम नंबर हम उसको कहते हैं जिसके पास केवल और केवल 2 ही फैक्टर हो, 1 and itself, और कंपोजिट नंबर वैसे नंबर को कहा जाता है कि जिसके पास मोर देन 2 फैक्टर हो। तो जब मोर देन 2 फैक्टर्स अगर आ जाए किसी भी नंबर के पास तो कंपोजिट नंबर होगा, अगर केवल और केवल 2 ही फैक्टर हो उसके पास तो नंबर क्या होगा आपका प्राइम नंबर होगा। इस बेसिस पे भी कर सकते हैं, या फिर अगर किसी भी नंबर का ठीक है, अगर मैं किसी भी नंबर का अगर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन कर लूं तो हम लोग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के अकॉर्डिंग हम ये बोल सकते हैं कि जो गिवन नंबर है वो आपका क्या है कंपोजिट नंबर है नहीं, क्योंकि कंपोजिट नंबर के पास ही क्या होता है प्राइम फैक्टराइजेशन होता है ओके। तो 2 बेसिस में हम लोग कर सकते हैं, मैं क्वेश्चन ले रहा हूं और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं ओके। जैसे क्वेश्चन है, जैसे मान लीजिए पहला क्वेश्चन है मेरे पास, मैं पहला क्वेश्चन ले रहा हूं कि एक्सप्लेन वाई 3 × 5 × 7 +7 इज कंपोजिट नंबर
कंपोजिट नंबर। ओके, फिर इसमें पूछा जा सकता है कि 3 × 5 × 13 × 46 + 23। ओके, ये भी बताने के कंपोजिट नंबर है कैसे है। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, 2 × 3 × 3 × 5 + 5। ओके, ये क्वेश्चन है, सारा क्वेश्चन एक ही जैसा है, बस अब रंग रूप बदल गया, हर क्वेश्चन एक ही जैसा है। एक ही क्वेश्चन करते हैं, पहला क्वेश्चन कर ले रहे हैं हम लोग कि एक्सप्लेन करना है कि वाई 3 × 5 × 7 + 7 इज अ कंपोजिट नंबर। अगर कंपोजिट नंबर प्रूफ करने की बात हो गई तो हम अगर ये दिखा दें कि गिवन नंबर के पास प्राइम फैक्टराइजेशन है तो वो नंबर आपका क्या होगा, कंपोजिट नंबर होगा। तो यही दिखाना है कि ये जो कुछ भी दिया हुआ है उसके पास अपना प्राइम फैक्टराइजेशन है, और प्राइम फैक्टराइजेशन है तो वो क्या है, आपका कंपोजिट नंबर है। ओके, जैसे 3 × 5 × 7 + 7, इस बातचीत को आप जरा कैसे लिखेंगे। देखिए यहाँ पे प्लस है, यहाँ भी 7 मौजूद है और यहाँ भी 7 मौजूद है, तो हम यहाँ से 7 क्या कर लेंगे, ऐसे कॉमन ले लेंगे। अगर 7 यहाँ पे कॉमन ले लें तो यहाँ पे क्या होगा आपका 15 होगा, और यहाँ पे क्या होगा आपका 1, यानी ये हो गया 7 × 16। तो 7 × 16 इसका हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे, 7 × 2 × 2 × 2 × 2, यानी कहने का मतलब है 2 to the power 4 और 7 to the power 1। ये हो गया। या फिर अगर आप ऐसे नहीं लिखना चाहते हैं तो आप इसको अरेंज करके लिख रख लीजिए, ऐसे लिख लीजिए। ओके, अब यहाँ पे लिखेंगे क्या, सिंस गिवन नंबर हैज यूनिक प्राइम फैक्टराइजेशन, गिवन नंबर हैज यूनिक प्राइम फैक्टराइजेशन, सो अकॉर्डिंग टू एफ टी ओ एल इट इज अ कंपोजिट नंबर। नहीं, ये जो कुछ भी दिया हुआ है इसको मैंने प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख दिया, यानी उसका हमने क्या कर दिया, प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया, और प्राइम फैक्टराइजेशन जिसका भी हो जाएगा अकॉर्डिंग टू एफ टी ओ ए वो क्या हो जाएगा, आपका कंपोजिट नंबर हो जाएगा। मान लीजिए कि ये सवाल अगर आपके पास है और ये आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए कि कंपोजिट है या प्राइम, कंपोजिट और प्राइम, ये आपसे पूछ लिया जाए कंपोजिट है कि प्राइम है। कंपोजिट तो तब होगा जब उसका प्राइम फैक्टराइजेशन होगा, और प्राइम तब होगा जब उसके पास केवल कितने फैक्टर्स हों, दो ही फैक्टर्स हों। नहीं, तो उसी बेसिस पर हम लोग कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए इस क्वेश्चन को हम लेके चल रहे हैं, अगर इस क्वेश्चन को देखा जाए तो 3 × 5 × 13 × 46 क्या हो गया आपका 23 हो गया। अब यहां से आप इस बातचीत को कैसे लिख सकते हैं, देखिए 23 एज अ कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 46 में से आप 23 एज अ कॉमन निकाल सकते हैं। अब 23 एज अ कॉमन निकाल लेंगे तो आप ही बताइए, यहाँ पे क्या बचेगा आपका 3, यहाँ पे क्या बचेगा 5, यहाँ पे क्या बचेगा 13, और यहाँ पे क्या बचेगा आपका 2, और यहाँ पे क्या बचेगा आपका 1 हो जाएगा। अब 23 × यहाँ पे हो गया। अब आप सोच रहे होंगे कि इसको सॉल्व करना पड़ेगा, नहीं इसको सॉल्व मत कीजिए, हम तो कहेंगे आप इसको सॉल्व मत कीजिए। अब इसके बाद एक आप स्टेटमेंट लिख लीजिए, लिखिएगा क्या, सिंस गिवन नंबर हैज 23 एज अ फैक्टर अदर देन 1 एंड इटसेल्फ, क्योंकि ये नंबर, ये पूरा नंबर तो ये है, तो 23 इसका एक क्या हो गया आपका फैक्टर हो गया, किसके अलावा, 1 एंड इटसेल्फ के अलावा। क्योंकि आपको पता है कि अगर कोई भी नंबर हो, पॉजिटिव इंटीजर हो, तो उसका 1 एज अ फैक्टर तो होगा ही होगा और इटसेल्फ तो होगा ही होगा। तो 1 एंड इटसेल्फ के अलावा इसके पास एक और फैक्टर आ गया, और वो क्या हो गया 23। इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, अगर आप सॉल्व करने में सक्षम है, अगर आपके पास समय है तो बेशक आप इसको कर लीजिए, मैं रोक नहीं रहा हूं। लेकिन क्या जरूरत है, जब काम इतने से हो जाने वाला है तो फिर लिखने की कोई जरूरत नहीं है, बातचीत बढ़ाने से ज्यादा कोई फायदा है नहीं। तो यहाँ पे लिखा हमने कि सिंस गिवन नंबर हैज 23 एज अ फैक्टर अदर देन 1 एंड इटसेल्फ, सो गिवन नंबर इज अ कंपोजिट, गिवन नंबर आपका क्या है, कंपोजिट है। ओके, ये बात समझ में आई। इस क्वेश्चन को देखिए, ये वाला क्वेश्चन भी कर लेते हैं, यहीं पर कर लेते हैं, ठीक है। छोटा सा यहाँ पे हमने लिखा है 2 × 3 × 3 × 5 + 5, ये भी आपको चेक करके बताने के बताइए कि ये कंपोजिट है या प्राइम है, या फिर कंपोजिट है तो क्यों है, ये भी सवाल पूछा जा सकता है।
तो यहाँ पे इस बातचीत हम लोग कैसे लिखेंगे, देखिए फाइव यहाँ पे भी है, फाइव यहाँ पे भी है, फाइव दोनों जगह है, तो फाइव हम यहाँ पे क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे, और यहाँ पे बातचीत हो जाएगी टू मल्टीप्लाई थ्री मल्टीप्लाई थ्री, और यहाँ पे फाइव कॉमन ले लेते हैं, क्या बच गया वन, वन लिखिए या फिर ना लिखिए दोनों बात क्या है बराबर है, और प्लस क्या हो जाएगा वन। अब यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई कराना आसान है तो कर लेंगे, थ्री थ्री जा नाइन, नाइन टू जा एटीन हो गया, नाइन टू जा एटीन, अरे बोल नहीं रहे, थ्री थ्री जा नाइन, नाइन टू जा एटीन, एटीन और प्लस वन कितना होगा नाइनटीन, यानी फाइव मल्टीप्लाई नाइनटीन, फाइव मल्टीप्लाई नाइनटीन हो गया, तो फाइव मल्टीप्लाई नाइनटीन हो गया। तो बताइए ये इस नंबर के पास क्या है आपका, यूनिक प्राइम फैक्टराइजेशन है। तो लिखिएगा कि सिंस गिवन नंबर हैज यूनिक प्राइम फैक्टराइजेशन एज 5 एंड 19, या फिर ये नहीं भी लिखिएगा, क्या लिखिएगा कि सिंस गिवन नंबर हैज यूनिक प्राइम फैक्टराइजेशन सो अकॉर्डिंग टू एफटीओ इट इज अ कंपोजिट नंबर, डन हो गया। आई होप कि ये इस तरह के क्वेश्चन आप कर लेंगे, आपके एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 1.2 में से क्वेश्चंस मिलेंगे, आप वहां से क्वेश्चन कीजिए, दिखाइए, आपसे सीधा सीधे सवाल पूछा गया गिवन नंबर कंपोजिट और नॉट, या फिर एक्सप्लेन व्हाई कि गिवन नंबर इज अ कंपोजिट। ओके अब हम लोग चल रहे हैं आगे नेक्स्ट तरह के नेक्स्ट टाइप पे। ओके चलिए अब हम लोग अपने नेक्स्ट टाइप की ओर चल रहे हैं। ओके नेक्स्ट टाइप है हमारा कैलकुलेशन ऑफ एसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू और मोर देन टू पॉजिटिव इंटीजर्स। ओके जैसा कि हम लोगों ने एचसीएफ के बारे में पढ़ लिया है, एचसीएफ कैसे निकालेंगे दो या दो से ज्यादा पॉजिटिव इंटीजर्स का, तो यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम। लेकिन यहाँ पे जो तरीका होगा वो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम नहीं होगा, यहाँ पे जो तरीका होगा वो होगा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक होगा। और जब किसी भी दो पॉजिटिव इंटीजर्स का या दो से ज़्यादा पॉजिटिव इंटीजर्स का हम लोग एचसीएफ और एलसीएम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक से निकालते हैं, इस तरीके को हम लोग कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो मान लीजिए कि एचसीएफ और एलसीएम यूजिंग एफटीओएस से निकालेंगे, इसी तरीके को हम लोग क्या कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ओके क्या कहते हैं इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। एक और बात समझ लेते हैं, जैसे कि हमने एचसीएफ आपको बता दिया था कि एचसीएफ जो होता है वो होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यहाँ पे एलसीएम समझ लेते हैं एलसीएम क्या होता है। एलसीएम की अगर मैं फुल फॉर्म की बात करूँ तो इसका मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, इसका फुल फॉर्म क्या होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इसको पहले समझते हैं, जैसे मान लीजिए कि मेरे पास कोई नंबर है फोर एंड सिक्स, तो इसका मान लीजिए कि हमको एलसीएम निकालना है, क्या निकालना है हमको एलसीएम निकालना है। ओके तो क्यों ना हम फोर के मल्टीपल्स लिखें, फोर का मल्टीपल लिखेंगे तो फोर वन जा फोर, फोर टू जा एट, फोर थ्री जा ट्वेल्व, फोर फोर जा सिक्सटीन, फोर फाइव जा ट्वेंटी, फोर सिक्स जा ट्वेंटी फोर, ऐसे। ओके अगर मैं सिक्स की बात करूँ तो सिक्स सिक्स वन जा सिक्स, सिक्स टू जा ट्वेल्व, सिक्स थ्री जा एटीन, सिक्स फोर जा ट्वेंटी फोर, ऐसे। अगर मैं कॉमन मल्टीपल की बात करूँ तो यहाँ पर देखिए कॉमन मल्टीपल कौन कौन है, आज ए कॉमन मल्टीपल सबसे पहले तो 12 है, फिर अगर आगे बात करें तो 24 एज ए कॉमन मल्टीपल। अब रह गई बात कि कॉमन मल्टीपल तो ठीक है, अब इनका एलसीएम जो होगा लिस्ट कॉमन मल्टीपल जो होगा वो बताइए 12 होगा कि आपका 24 होगा। कॉमन मल्टीपल तो 24 भी है और 12 भी है, लेकिन एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल आपका क्या है 12 है, तो 12 इसका क्या होगा आपका एलसीएम होगा, इसी को हम लोग कहते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल। आई होप कि ये बात आप समझे होंगे। ठीक इसके पीछे अगर मैं इसका अगर मैं एचसीएफ निकालने की कोशिश करूँ तो एचसीएफ क्या आएगा आपका 2 आएगा, 4 एंड 6 का जो कॉमन फैक्टर होगा हाईएस्ट वो क्या होगा आपका 2 होगा। अब ये जो 4 एंड 6 है ठीक है, इसका एलसीएम क्या है 12 है, यानी बेशक 4 एंड 6 से ये वाला नंबर जो 12 है वो आपका क्या होगा डिविजिबल होगा, यानी 4 एंड 6 जो होंगे 12 के क्या होंगे फैक्टर होंगे, यानी 12 इज डिविजिबल बाय 4 एंड 6, एंड ये जो 4 एंड 6 है वो किससे डिविजिबल होंगे आपके 2 से, तो 2 से ये डिविजिबल है और 12 इनसे डिविजिबल है, तो बेशक ये जो 2 होगा वो 12 को भी क्या करेगा अल्टीमेटली डिवाइड करेगा, यानी 12 इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2। यानी कंक्लूजन के तौर पे अगर मैं बात करूँ कंक्लूजन के तौर पे तो एचसीएफ
ऑफ एनी टू पॉजिटिव इंटीजर, या फिर लिख लेते हैं एलसीएम ऑफ एनी टू पॉजिटिव इंटीजर, एलसीएम ऑफ एनी टू पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर्स विल बी ऑलवेज डिविजिबल बाय देयर एचसीएफ। जो एलसीएम होगा वो एचसीएफ से हमेशा क्या होगा आपका, डिविजिबल होगा, इस बात को आप ध्यान रखें। क्वेश्चन कैसे पूछ लेता है कभी कभी, कैसे पूछता है, पूछेगा कैन एनी टू नंबर ए एंड बी हैव 24 एज एलसीएफ एंड 98 एज एलसीएम। मान लीजिए एक सवाल पूछ लिया आपसे कि क्या कोई दो नंबर ए और बी के पास एज ए एचसीएफ 24 और एज ए एलसीएम 98 हो सकता है। देखिए जी, होने को तो होगा, लेकिन तब होगा जब ये एचसीएफ आपका एलसीएम को कंप्लीटली क्या कर दे, डिवाइड कर दे। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो 24 है 98 को कंप्लीटली डिवाइड नहीं कर पा रहा है, इसीलिए कोई भी ऐसे दो नंबर नहीं होंगे जिनका एचसीएफ क्या हो जाए 24 और एलसीएम क्या हो जाए 98, कभी नहीं हो सकता है। ओके, ऐसा होने के लिए 98 को 24 से क्या होना होगा, डिविजिबल होना होगा, जो कि नहीं है। हाँ, अगर यहीं पे अगर 96 दे दे तो 96 जो है आपका 24 से डिविजिबल है, तो यहाँ पे किसी भी दो नंबर के पास एज अ एचसीएफ क्या होगा 24 और एज अ एलसीएम क्या होगा 96। आई होप ये बात क्लियर होगी। ओके, चलिए नेक्स्ट कि कैसे कैलकुलेट करते हैं एचसीएफ एंड एलसीएम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। चलिए देखिए, सबसे पहले आप क्या करेंगे कि अगर कोई भी गिवन पॉजिटिव इंटीजर है उसका आप क्या निकालेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। ओके, सबसे पहले क्या निकालेंगे आप, प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। मान लीजिए कि हमारे पास एक कंपोजिट नंबर C1 और एक कंपोजिट नंबर C2, इसका जब मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो प्राइम फैक्टराइजेशन के तौर पर मान लीजिए कि हमारे पास 2 का पावर 2, 3 का पावर 3, 5 का पावर 1 और 7 का पावर 2। हो सकता है अगर ये प्राइम फैक्टराइजेशन है तो किसी ना किसी कंपोजिट नंबर का होगा ही होगा। और यहाँ पे एक C2 ले लेते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं 2 का पावर 3, 3 का पावर 2, 5 का पावर 3 और 7 का पावर 1। अब हमको मान लीजिए कि HCF निकालना है और क्या निकालना है, LCM निकालना है। उसके लिए क्या आपको फॉलो करना होगा, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ पहले, फिर बात को समझा रहा हूँ। HCF निकालना होगा तो HCF के लिए क्या करेंगे आप, प्रोडक्ट करेंगे, क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम, ईच, यहां पे ईच लिखे हैं, क्या लिखे हैं यहां पे, ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व्ड इन द एक्सपेंशन। ओके, यानी उस प्राइम नंबर के जो भी आपके गिवन कंपोजिट नंबर है, सॉरी, जो भी उसमें गिवन कंपोजिट नंबर है उस कंपोजिट नंबर का सबसे पहले आप क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद आप ये देखेंगे कि उनमें कॉमन प्राइम क्या है। कॉमन प्राइम देखने के बाद हम उनका प्रोडक्ट लेंगे, और उस प्रोडक्ट जब लेंगे तो उसका जो कॉमन प्राइम है उसका हम लोग लीस्ट पावर लेंगे, ना कि लार्जेस्ट लेंगे, क्या लेंगे, लीस्ट पावर लेंगे। ये तो हो गया एचसीएम। अगर मैं एलसीएम की बात करूँ तो एलसीएम में क्या करेंगे, प्रोडक्ट लेंगे, क्या लेंगे, प्रोडक्ट ऑफ द लार्जेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम। इसमें कॉमन नहीं चलेगा, ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व्ड इन द एक्सपेंशन। मैं एक बार फिर से बोल दे रहा हूँ कि अगर आप एचसीएफ निकालने जा रहे हैं तो एचसीएफ निकालने जा रहे हैं किसी भी पॉजिटिव इंटीजर्स का, तो जो भी आपके पॉजिटिव इंटीजर्स दिए हुए हैं उनको एज इट इज प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए। प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद अगर आपको एचसीएफ निकालना हो तो एचसीएफ के लिए सबसे पहले ये देखिए कि कौन कौन से कॉमन प्राइम है। कॉमन प्राइम आपको पता चल गया कि ये कॉमन प्राइम है, उस कॉमन प्राइम को प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख लीजिए, और उनका जो पावर लेना है आपको, पावर क्या लेना है आपको, स्मॉलेस्ट पावर लेना है। ओके, और जब आप एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम निकालने के लिए आपको ये देखना होगा कि जो भी आपके कंपोजिट नंबर दिए हुए थे या फिर कोई भी आपके पॉजिटिव इंटीजर्स दिए हुए थे उनके एक्सपेंशन में कौन कौन से प्राइम आ रहे हैं,
उन सारे प्राइम नंबर्स को आप क्या कर लेंगे, एज इट इज लिख लेंगे प्रोडक्ट के फॉर्म में, और उनका जो लार्जेस्ट पावर होगा एक्सपेंशन में, उस लार्जेस्ट पावर को आप क्या करेंगे, रेज कर देंगे। ओके ठीक है, चलिए इसको समझते हैं। मान लीजिए कि हमको इसी C1 C2 का, मान लीजिए कि अगर हमको HCF निकालना है, HCF ऑफ C1 एंड C2 निकालना है, तो HCF निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले कॉमन प्राइम देखना होगा। देखिए दो भी कॉमन है, 3 भी कॉमन है, और यहाँ पे 5 भी कॉमन है और 7 भी कॉमन है। चलिए एक और एक्स्ट्रा बढ़ा लेते हैं 11 to the power 3, ताकि बात कोई कन्फ्यूज ना करे आपको। तो HCF के लिए हमने 2 भी लिख लिया, 3 भी लिख लिया, 5 भी, 7 भी, क्योंकि यहाँ पे आपका 2D कॉमन है, 3D कॉमन है, 5D कॉमन है और 7D कॉमन है। तो हमने जो जो कॉमन था वो सब ले लिया। लेने के बाद हम देखेंगे स्मॉलेस्ट पावर, तो स्मॉलेस्ट पावर 2 का स्मॉलेस्ट पावर 2, 3 का स्मॉलेस्ट पावर 2 और 5 का स्मॉलेस्ट पावर 1 और 7 का स्मॉलेस्ट पावर 1। तो ये हमारा जो भी होगा वो क्या होगा, आपका HCF होगा। ओके, अगर मान लीजिए अगर हमको LCM निकालना है C1 C2 का, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो जो एक्सपेंशन में प्राइम नंबर है, एक्सपेंशन में क्या क्या है, 2, 3, 5, 7, 11 है, 2, 3, 5, 7, 11 आगे 2, 3, 5, 7, 11। अब इन सबको प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख लिया, प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखने के बाद जो भी आपके पावर है लार्जेस्ट पावर, तो 2 का लार्जेस्ट पावर 3, 3 का लार्जेस्ट पावर 3, 5 का लार्जेस्ट पावर 3 और 7 का लार्जेस्ट पावर 1, सॉरी 2 और 11 का लार्जेस्ट पावर क्या है, 3। सब में देखना है, एक ही में नहीं देखना, ये लार्जेस्ट पावर हमने लिख दिया और ये हो गया आपका LCM। ओके, जैसे मान लीजिए एक और नंबर लेते हैं, मान लीजिए हम कोई नंबर ये लेते हैं, ठीक है, हम ले लेते हैं x to the power 2, y to the power 3, z to the power 3 और t to the power 7, ऐसा ले लिया। b = हमने ले लिया x y square z q t2, ये ले लिया t square, और हमने एक सी नंबर ले लिया, यहाँ पे ले लिया x4 y3 z1, या z ऐसे भी लिख लेते हैं, और यहाँ पे लिख लिया t ना लिख के यहाँ पे लिख लेते हैं l4 लिख लिया। अब मान लीजिए कि हमको इसका क्या निकालना है, HCF निकालना है, क्या निकालना है, HCF। अब बोलिएगा सर यहाँ पे x y z t, मान लीजिए यहाँ पे जो भी है x y z t और l, ये सारे के सारे बिलोंग कर रहे हैं किससे भाई, प्राइम नंबर से, सारे के सारे प्राइम नंबर है। ओके, ये सारे के सारे क्या हैं, आपके प्राइम नंबर है। ओके चलिए, तो HCF निकालना है, तो HCF = क्या बोले थे, जो भी प्राइम नंबर ऑकर हो रहे हैं कॉमन प्राइम, उन सबको प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखिए। देखिए एक्स आ रहा है, सब में है, वाई भी सब में है, वाई भी लिख लिया, ठीक है, जेड भी सब में है, तो हमने जेड भी लिख लिया। ओके, टी सब में नहीं है, तो इसलिए हमने टी को क्या कर दिया, छोड़ दिया। तो एक्स मल्टीप्लाई वाई मल्टीप्लाई जेड लिख लिया। फिर उसके बाद x का लार्जेस्ट देखेंगे या लीस्ट देखेंगे, तो लीस्ट पावर देखेंगे, स्मॉलेस्ट पावर, तो x का स्मॉलेस्ट क्या है, 1 है, तो 1 लिख लिया। y का स्मॉलेस्ट क्या है, 2 है, तो y का स्मॉलेस्ट 2। z का स्मॉलेस्ट क्या है, तो z का स्मॉलेस्ट 1 है, तो z का स्मॉलेस्ट 1। तो ये हमारा क्या हो गया, HCF हो गया। अगर मैं LCM की बात करूँ, तो LCM के लिए जो जो आए हैं एक्सपेंशन में, उन सबको, उन सारे प्राइम नंबर्स को प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना होगा, x y z t और l, और इनका लार्जेस्ट पावर लिखना है, तो लार्जेस्ट पावर क्या है आपका, 4 है, वाई का लार्जेस्ट क्या है आपका, 3 है, जेड का लार्जेस्ट क्या है, 3 है, टी का लार्जेस्ट क्या है, 7 है, और एल का लार्जेस्ट क्या है, 4 है। तो ये हमारा क्या हो गया, एलसीएम। आई होप कि ये बात आपको समझ में आई होगी। ओके, एक और क्वेश्चन लेते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे कोई हमारा पॉजिटिव इंटीजर ए है, और एक हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया, तो यहाँ पे आया xy square। ओके, और यहाँ पे डी आया आपका x4 y square z1, a = x y square और b = x4 y z1, ये आया। तो मान लीजिए कि इसका हमको क्या निकालना है, LCM निकालना है। तो यहाँ पे एक बात दी हुई रहेगी आपको, x y z जो है बिलोंग कर रहे हैं किससे, प्राइम नंबर से, किससे बिलोंग कर रहे हैं, प्राइम नंबर से। ओके, तो HCF आपका क्या होगा, HCF के लिए आपका जो जो कॉमन प्राइम है उसको लिखेंगे, x भी कॉमन है और y भी कॉमन है, तो xy लिख लिया। x का पावर कितना है, मिनिमम पावर लिखना है, तो मिनिमम पावर कितना है आपका, 1, क्योंकि यहाँ पे 1 है, और y का मिनिमम कितना है, 2, तो y का मिनिमम 2 लिख लिया। तो यहाँ पे हो गया xy square। ओके, आई होप कि ये बात क्लियर होगी आपको। अब अगर बात कर लें LCM की, तो LCM के लिए जो जो सारे प्राइम्स आए हुए हैं एक्सपेंशन में, उन सबको प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना है, तो x y और z तीनों लिख लिया। अब x का मैक्सिमम बोलिए 4, y का मैक्सिमम बोलिए 2 और z का मैक्सिमम कितना है, 1। तो ये हमारा जो होगा वो क्या होगा, LCM, यानी x 4
वाई टू जेड वन, या फिर जेड वन नहीं भी लिखेंगे, जेड भी लिखेंगे तो चलेगा, एक्स फोर वाई स्क्वायर जेड। ओके, आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। ओके, कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन ले लेते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन से हम लोग बातचीत को आगे बढ़ा रहे हैं। आई होप कि इतनी बात तो समझ में आ ही गई होगी कि एच सी एफ का मतलब क्या होता है और एल सी एम का मतलब क्या होता है। ओके, चलिए कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं छोटे छोटे, ठीक है। जैसे पहला क्वेश्चन ले लेते हैं, राइट द एलसीएफ ऑफ अ स्मॉलेस्ट प्राइम एंड अ स्मॉलेस्ट कंपोजिट। अ स्मॉलेस्ट एंड अ स्मॉलेस्ट प्राइम का क्या निकाल, स्मॉलेस्ट प्राइम एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट का क्या निकालना है आपको, एच सी एफ निकालना है। तो अगर मैं स्मॉलेस्ट प्राइम की बात करूँ और स्मॉलेस्ट कंपोजिट की बात करूँ, तो स्मॉलेस्ट प्राइम है आपका 2 और स्मॉलेस्ट कंपोजिट है आपका 4। तो 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 टू द पावर 1, और 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 टू द पावर 2, ये लिखेंगे। अब बताइए एच सी एफ, तो एच सी एफ के लिए कॉमन प्राइम नहीं, एच सी एफ के लिए क्या, कॉमन प्राइम। तो कॉमन प्राइम में क्या है आपका, 2 ही है, और इसका लिस्ट फॉर क्या है, 1, तो 2, रिजल्ट पे क्या हो जाएगा, 2। और मान लीजिए एल सी एम निकालना है 2 4 का, तो 2 4 का एल सी एम निकालना है, तो 2 तो प्राइम हो गया, इस एक्सपेंशन में ही आया है, 2 ही आया है, और इसका लार्जेस्ट फॉर क्या है, 2, तो इस कितना हो जाएगा, 4। आई होप ये बात समझ में आई होगी। एक छोटा सा और क्वेश्चन ले लेते हैं, मान लीजिए हमारे पास ए सी एफ एंड एल सी एम निकालना है 120 एंड 144 का, तो 120 का क्या निकालेंगे आप, प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं, तो 2 हो जाएगा, 260 होगा, 230 हो गया, 215 हो गया, 3 × 5 यही होगा, होगा ना, तो ये हो जाएगा 2 का पावर 3, 3 का पावर 1, और ये हो जाएगा 5 का पावर 1, तो ये हो गया 120 का। और मैं 144 की बात करूँ, तो 12 16 9 जो होता है 144, तो 16 का तो हो जाएगा 24, और 9 का हो जाएगा 3 स्क्वायर, यही होगा। अब बताइए कि एच सी एफ अगर निकालना हो 120 एंड 144 का, यानी 120 एंड 144 का, तो सबसे पहले देखेंगे कि कॉमन प्राइम कौन है, कॉमन प्राइम 2 भी है और 3 भी है, 2 यहाँ पे भी है, 2 यहाँ पे भी है, 3 यहाँ पे भी है, 3 यहाँ पे भी है, 5 नहीं, इसलिए 5 हमने नहीं लिया, तो 2 3 2 का लिस्ट देखिए, 3 और 3 का लिस्ट देखिए, वन ये हो जाएगा आपका 8 3 24, ये हो गया। और मान लीजिए कि अगर हमको एलसीएम पूछ ले, एलसीएम 124 एंड 144 का, तो क्या करेंगे, जो जो कॉमन प्राइम आए हैं, 2 3 5 ही आए हैं, तो 2 लिख लिया, 3 लिख लिया, और क्या लिख लिया, 5 लिख लिया, और इसका लार्जेस्ट पावर तो 4 लार्जेस्ट, और ये हो जाएगा 3 का 2 है, और 5 का क्या है, 1 है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा एलसीएम। गुणा करने के बाद जो भी पूछा जाए, मान लीजिए समथिंग आ गया, तो यही समथिंग आपकी क्या होगी, एलसीएम होगी। एक और छोटा सा मान लीजिए नंबर ले लेते हैं, मान लीजिए हमको बोल दिया कि फाइंड एच सी एफ एंड एल सी एम ऑफ 40 36 एंड 126। तो 40 का लिखें, 40 का पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए, 2 का पावर 3 गुने क्या हो जाएगा, 5, ये होगा ना, 8 5 से 40 होता है, 36 तो 4 9 जा, 40 का 36 होता है, 2 का पावर 2 और 3 का पावर 2, और 126 तो 2 हो गया यहाँ पे 63 से जाएगा, तो हो गया 21 हो गया, तो 21 हो गया, तो फिर से 3 और फिर से क्या होगा, 7, यानी इस बातचीत को हम लिख सकते हैं 2 का पावर 1, 3 का पावर 2 और 7 का पावर 1। अब बताइए हमको कि एच सी एफ क्या होगा, बोलिए एच सी एफ के लिए जो जो कॉमन है, कॉमन में क्या है, 2 है, 2 है, 2 है, 3 3, एक जगह यहाँ पे 3 नहीं है, तो केवल 2 ही कॉमन है, तो 2 यहाँ पे लिख लेंगे, और इसका लार्जेस्ट पावर की लिस्ट पावर, लिस्ट पावर देखेंगे, लिस्ट पावर यहाँ पे क्या है, 1, तो लिस्ट पावर 1 है, तो इसीलिए इसका एच सी एफ क्या हो जाएगा, 2। और अगर एलसीएम की बात हो गई, तो एलसीएम के लिए सारे प्राइम जो जो आए हुए हैं, तो 2 भी, 3 भी, और 5 भी और 7 भी, तो 2 भी लिख लिया, 3 भी लिख लिया, 5 भी लिख लिया, 7 लिख लिया, और लार्जेस्ट पावर 2 का कितना है, 3 है, 3 का लार्जेस्ट कितना है, 2 है, और 5 का लार्जेस्ट कितना है, 1 है, और 7 का लार्जेस्ट कितना है, 1, ये जो होगा वो आपका क्या होगा, एलसीएम होगा। आई होप कि एच सी एफ एंड एलसीएम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आपको समझ में आई होगी। ओके, चलिए अब कुछ और भी बात सीखनी है हमको एच सी एफ और एलसीएम से रिलेटेड, वो देख लेते हैं, वो क्या है आपका, अब हम लोग आगे जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे रिलेशन, क्या पढ़ेंगे, रिलेशन बिटवीन एच सी एफ एंड
एलसीएम एंड नंबर्स। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका रिलेशन बिटवीन एचसीएफ, सॉरी रिलेशन बिटवीन नंबर्स, रिलेशन बिटवीन नंबर्स एंड देयर एचसीएफ एंड एलसीएम। किसी भी गिवन नंबर, जो भी आपके दो या दो से ज्यादा नंबर्स दिए हुए हैं, उनके एचसीएफ एलसीएम और वो गिवन नंबर्स में क्या रिलेशन होता है। सबसे पहले हम दो पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए बात करेंगे। सबसे पहले फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी, मान लीजिए हमारे पास कोई दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं ए एंड बी। इसको समझाने से पहले सबसे पहले हम ले लेंगे, आपके पास दो नंबर ले लेते हैं, फोर एंड सिक्स ले लेते हैं, ले लिया। फोर एंड सिक्स का अगर आप एलसीएम निकालेंगे, क्या निकालेंगे, एलसीएम। तो एलसीएम फोर एंड सिक्स का कितना आएगा, ट्वेल्व, क्योंकि फोर थ्री जै ट्वेल्व और सिक्स टू जै ट्वेल्व, नहीं होगा ना, आप निकाल लीजिएगा। फोर एंड सिक्स का एलसीएम कितना होगा, ट्वेल्व। और अगर मैं इसकी एचसीएफ की बात करूँ तो एचसीएफ आपका क्या हो जाएगा, टू। ओके, फोर एंड सिक्स का एचसीएफ क्या हो गया, टू, एलसीएम क्या हो गया, ट्वेल्व। यहाँ पे एक चीज देखेंगे आप कि फोर मल्टीप्लाई सिक्स इज इक्वल टू जो होगा वो होगा एचसीएफ इंटू एलसीएम। जब भी ये दो नंबर होंगे तो दो नंबर का एचसीएफ एंड एलसीएम जो होता है उनका प्रोडक्ट उन दो नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होता है। यानी कहने का मतलब है कि प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी विल बी इक्वल टू एचसीएफ ऑफ ए बी गुने एलसीएम ऑफ ए बी। ओके, इस चीज को ऐसे ना लिख के आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ए मल्टीप्लाई बी, यानी ए मल्टीप्लाई बी इज इक्वल टू एचसीएफ ऑफ ए बी मल्टीप्लाई एलसीएम ऑफ ए बी। अब इसमें चार चीजें हैं, ये तो दो ए हो गया और दो ए हो गया, इनमें से कोई भी आपको एक ऑप्शन कर देगा और आपसे वो पूछ देगा कि बताइए वो क्या है। जैसे कि आपके पास ए भी दे दिया, बी भी दे दिया, एलसीएम भी दे दिया, पूछेगा कि एचसीएफ बताइए। जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए हमारे पास एक जो नंबर है वो 12 है और बी जो है वो है आपका 48, क्या है, 48। ओके, मान लीजिए एलसीएम दे दिया आपको 48, पूछेगा कि एचसीएफ बताइए, तो क्या होगा एचसीएफ इक्वल टू, सबसे पहले 12 इनटू 48 इज इक्वल टू एलसीएम कितना है 48, और यहां पे आपको एचसीएफ नहीं पता है तो यहां पे एचसीएफ लिख लेंगे, तो 48 से 48 कैंसिल हो जाएगा, एचसीएफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। मान लीजिए कि आपके पास एक जो नंबर है वो दिया हुआ है वो है आपका 12, एक आपका जो बी है वो नंबर आपका अननोन है, लेकिन एचसीएफ जो दिया हुआ है वो एचसीएफ है आपका 6, एचसीएफ क्या है 6, और जो आपका एलसीएम है वो है आपका 96, क्या है 96, एचसीएफ क्या है आपका 6। आपसे पूछ दिया कि बी बताइए, तो आप जानते हैं कि ए मल्टीप्लाई बी करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, एचसीएफ इंटू एलसीएम। ए आपका हो गया 12, बी आपको पता नहीं, एचसीएफ कितना हो गया 6 और एलसीएम कितना हो गया आपका 96, तो आप ये बी पता कर लेंगे, 12 8 जा 96, तो बी कितना हो जाएगा आपका 48 हो गया। तो इसको अप्लाई करके अगर दो पॉजिटिव इंटीजर्स दिए हुए हैं और दो पॉजिटिव इंटीजर में, ठीक है, एचसीएफ गायब है या एलसीएम गायब है, तो इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। या फिर मान लीजिए कि एचसीएफ और एलसीएम उनका दिया हुआ है और उनमें से एक ही नंबर दिया हुआ है तो निकाल लेंगे, नहीं तो ये काफ़ी कारगर है। ओके, इससे रिलेटेड सवाल भी बहुत पूछे जाते हैं एमसीक्यू में, यानी वन नंबर क्वेश्चन में, ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन में आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं इससे रिलेटेड। चले आगे, ये तो हो गया दो नंबर के लिए, थ्री नंबर के लिए, लेकिन ये थ्री पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए बात सही नहीं है। थ्री पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए मैं एक फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ, वो उसको आप ध्यान में रखेंगे, याद करना तो बड़ा आसान है, कोई मुश्किल काम नहीं है, देख लेंगे एक बार कि अगर फॉर एनी थ्री पॉजिटिव इंटीजर, फॉर एनी थ्री पॉजिटिव इंटीजर्स ए बी एंड सी, या फिर छोटा स्मॉल ही लगता है ए बी एंड सी। ओके, तो क्या करेंगे, अगर मान लीजिए अगर आपको एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम अगर ए बी सी का निकालना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले इन तीनों का प्रोडक्ट ले लेंगे, ए बी सी ले लिया, क्या ले लिया, प्रोडक्ट ले लिया। जब एलसीएम की बात हो गई तो कभी भी अब आगे एलसीएम का जिक्र नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ किसका जिक्र करेंगे, एचसीएफ का जिक्र करेंगे, ए बी सी लिख लिया यहाँ पे,
और नीचे में क्या लिखेंगे, डिवाइड किससे करेंगे, एच सी एफ ऑफ ए बी, एच सी एफ ऑफ बी सी और एच सी एफ ऑफ सी ए। ओके, तो ये हो गया आपका एलसीएम। अगर मान लीजिए कि हमसे अगर एच सी ए पूछ ले ए बी सी का, तो एच सी एफ इजिकल टू क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ दिस नंबर्स ए बी सी। अब एच सी एफ पूछ रहा है तो एच सी एफ की जिक्र आगे नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ किसका जिक्र होगा, एलसीएम का जिक्र होगा। तो एलसीएम किसका आपका, ए बी सी का, और यहाँ पे एस एलसीएम ऑफ ए बी मल्टीप्लाई एलसीएम ऑफ बी सी मल्टीप्लाई एलसीएम ऑफ सी ए। आई होप कि ये बात आपको समझ में आई होगी। ओके, जैसे एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ओके, एक क्वेश्चन कर लेते हैं इस पर इस तरीके से। जैसे मान लीजिए हमारे पास एच सी एफ जो है किस किस का, 28, 35 एंड 343 का, वो है 7। ओके, तो फाइंड एलसीएम ऑफ 28, 35 एंड 343। ओके, इसको निकालना है, एलसीएम निकालना है। चलिए बताइए कि एलसीएम ऑफ 28, 35, 343 यहाँ पे है एलसीएम, तो ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी, यानी 28 मल्टीप्लाई 35 मल्टीप्लाई 343 मल्टीप्लाई एच सी एफ ऑफ ए बी सी। एच सी एफ ऑफ ए बी सी कितना है पर 7 है, डिवाइड। अब एच सी एफ ऑफ 28 35 निकालेंगे तो कितना आएगा, 7। आप निकाल के देख लीजिएगा, 35 एंड 343 का कितना आएगा, 7, और 28 एंड 343 का भी कितना आएगा, 7। आप करके देख लीजिएगा, 7 7। ओके, 4 टाइम्स में 7 5 35, 7 7 1 7 कट गया, तो कितना बचा, 5 4 20, 20 मल्टीप्लाई 343 मल्टीप्लाई करिए, डबल कर दीजिए इसको, 3 2 6, 4 2 8, 3 2 6, यानी 6860 जो होगा इसका क्या होगा, आपका एलसीएम होगा। तो मैंने इस तरीके से बताया, वो जो पीछे जो मैंने फॉर्मूला बताया वो वैलिड केवल दो नंबर के लिए, तीन नंबर के लिए नहीं। अगर तीन नंबर दे दे अगर इस तरह से पूछ ले आपसे तो आप ऐसे निकाल लेंगे। ओके, आई होप कि यहाँ तक आपको बातें समझ में आई होगी। जब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे आपसे, आई मीन जब नेक्स्ट वीडियो जब अपलोड की जाएगी, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे इरेशनल नंबर के बारे में, इरेशनलिटी के बारे में, और फिर उसके आगे हम लोग पढ़ेंगे नेचर ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ इरेशनल नंबर। ओके, तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच मेरे साथ बने रहने के लिए। बाकी की बात हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में, सॉरी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके।